YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहतरीन शेयर और किस प्राइस लेवल पर आपको बाय करना है, कब बाय करना है, इन सारे लेवल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहला जो स्टॉक है वो है IRCTC। IRCTC आपको कब बाय करना है, देखिए जो ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल बना रखा है और रेंज लेवल बना रखा है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो आपको वेट करना है स्टॉक्स के गिरावट का, अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर आपको ब्रेकआउट पे बाय करना है, क्योंकि स्टॉक जो है एक छोटे से रेंज में है। यहाँ पर देखिए ये रेंज बना रखा है, ये रेसिस्टेंस है जो कि है 935 रुपए के आसपास का, और सपोर्ट जो है वो है 785 रुपए के आसपास। अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट जो है वो 785, ये ऊपरी लेवल है, और सपोर्ट का जो निचला लेवल है, सपोर्ट मुख्य रूप से एक रीजन होता है, तो वो है 715 रुपया। तो 715 से लेके 785 रुपए का जो रीजन है ये सपोर्ट रीजन है। तो अगर इस रीजन को ब्रेक कर दिया, मतलब 700 के लेवल को ब्रेक कर दिया IRCTC, तो यहाँ पर गिरावट होगा, और अगर ये ऊपरी लेवल को ब्रेक कर देता है रेसिस्टेंस लेवल को, तो फिर ये स्टॉक्स हमें ऊपर का जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां तक जा सकता है, जो कि 1275 रुपए के आसपास का। आगे की हो क्या सकता है यहाँ पर, जब तक प्राइस स्ट्रेंथ ना दिखाए, जैसे कि यहाँ पर प्राइस जो है ये अगर इस लेवल के नीचे नहीं आता है, अगर ये 850 रुपए के नीचे आता ही नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ वापस आ रहा है, और ये हमें कन्फर्म कर रहा है कौन, वॉल्यूम। देखिए बीच बीच में बाई का वॉल्यूम का स्पाइक है यहाँ पर, अगर ये स्पाइक लगातार आता रहा, कहीं ना कहीं ये स्टॉक से यहाँ पर एक्युमुलेट हो रहा है, तो लगातार एक्युमुलेशन के बाद ये यहाँ पर रेसिस्टेंस को ब्रेक करके फिर ये ऊपर जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है IEX, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। ये भी स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, और इस स्टॉक्स को कब बाय करना है, कब बाय नहीं करना है, तो देखिए इसका जो सपोर्ट रीजन है वो है 230 रुपया। अगर ये 230 के नीचे निकलता है तो दूसरा जो सपोर्ट रीजन यहाँ पर आएगा आपका, मतलब वो काफी नीचे है, देखिए 190 रुपीज के आसपास है। अगर ये 230 रुपए को ब्रेक करता है तो 190 तक ये स्टॉक्स आ सकता है। अभी जो फिलहाल चार्ट पैटर्न है वो देखिए बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, क्योंकि अगर ये स्टॉक्स यहाँ से नीचे आ जाता है 250 के नीचे, तो ये थोड़ा सा यहाँ बेरिश होगा, और अगर ये 230 को ब्रेक कर देता है पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। वही स्टॉक्स का जो रेसिस्टेंस है वो बात करें तो सबसे पहले 275, फिर जो सबसे मेजर रेसिस्टेंस लेवल है वो है 300 से ऊपर का लेवल। ये 300 के ऊपर कभी भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर ये स्टॉक्स धीरे धीरे बुलिश हो जाएगा। तो 300 के ऊपर इस स्टॉक को सस्टेन करना सबसे बहुत जरूरी है, अगर ये 300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से ऊपर ये जबरदस्त मोमेंटम दिखा सकता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, और ये दोनों स्टॉक्स हैं फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स हैं। तो इस स्टॉक्स को आपको गिरावट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे गिरावट में बाय करना है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो थोड़ा इंतजार करना है। इंतजार क्या करना है, तो जैसे ये फिर से गिरावट होगा एक सपोर्ट बनाएगा, बिना सपोर्ट बनाए ये फिर से ऊपर नहीं जाएगा। तो जैसे स्टॉक्स में गिरावट आ रहा है तो उसको वेट कीजिए, स्टॉक्स को सपोर्ट लेने दीजिए, जब वो अपना सपोर्ट बना लेता है, सपोर्ट बनाने के बाद ही वो फिर से ऊपर आएगा। तो जैसे देखिए कोई स्टॉक्स यहाँ से अगर ये गिरावट लेता है तो यहाँ पर फिर एक रेंज बनाएगा, ये रेंज में थोड़े दिन तक रहेगा, कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये ऊपर जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर गिरावट होता है तो इसका वेट करना है, एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद उस रेंज को ऊपर की ओर ब्रेक करे, तब फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर वो स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल्स को जानना काफी सॉलिड होता है, कंपनी का बिजनेस क्या है, इसलिए कंपनी के बिजनेस को स्टडी कीजिए, फिर जाकर के आप चार्ट पे यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चार्ट जो हम यहाँ पर देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो हम डिस्काउंटेड प्राइस पर किसी स्टॉक्स को बाय करने के लिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल्स के अनुसार पहले स्टॉक्स को सेलेक्ट करना। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।